कहता है यहाँ से देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस बाय ए फैक्टर, ठीक है। तो ये रेशियो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एटम और डिवाइडेड बाय यहाँ से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब, ठीक है। तो ये कट गया, तो रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। अब लगभग लगभग ऑर्डर पूछ रहा है, तो जो एटम होता है वो 10^-10 और जो न्यूक्लियस होता है 10^-15 और ये पावर यहाँ से क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 10^-10 और +10^15 की पावर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से तुम देखोगे 10^5 और यहाँ से 3, तो ये आ जाएगा 10^15 ऑर्डर के आसपास आ जाएगा। तो अपना डी ऑप्शन सही हो जाता है। एक बार चेक कर लो यहाँ पे। तो थैंक यू।